एलिजिबिलिटी के लिए जब हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को और उसके कवानीन को देखेंगे तो उसमें आपको 65 पॉइंट्स अचीव करने। तो जिस तरह आपने अभी स्किल असेसमेंट का जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1-2-3 स्टेप्स में बता सकें कि पहला स्टेप क्या है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ताकि एक यू नो जर्नी बन जाए एंड देन हम डिटेल्स में जाएंगे कि क्या क्राइटेरिया वगैरह है। पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है, आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जब हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को और उसके कवानीन को देखेंगे तो उसमें आपको 65 पॉइंट्स अचीव करने हैं। ओके, और कमोबेश वही फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। राइट, अब 65 पॉइंट्स एलिजिबिलिटी आप पूल में आ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो राउंड्स रन होंगे उसका कट ऑफ बनेगा वो एक अलग किस्सा है और अलग बात होगी, बट एलिजिबल होने के लिए पूल में आने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मेरे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं एज के ऊपर, ठीक है, क्वालिफिकेशन के ऊपर, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, लैंग्वेज असेसमेंट के ऊपर, और मेरे अगर स्पाउस है तो उसकी लैंग्वेज असेसमेंट को काउंट हो जाए, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरे मैं सिंगल हूं तो मेरे एडिशनल पॉइंट्स हैं, मैं मैरिड हूं तो मेरे स्पाउस के क्वालिफिकेशन या उसकी भी कोई स्किल्स हैं उसके भी पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा ये मेन स्ट्रीम आपके जो है फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। एज अगर हम देखें तो एज आप समझ लीजिए कि 19 साल से 24 साल के ऊपर भी पॉइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो इतने मुनासिब नहीं है। 25 जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 30 पॉइंट्स है। ऑब्वियसली अगर 25 साल से लेकर आप 32 साल के दरमियान हैं तो आपको हाईएस्ट पॉइंट्स 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप 33 की बर्थडे हो गई, 33 टर्न हो गया आपको, तो आपको जो है वो जब तक आप 33 के नहीं होंगे आपके पॉइंट्स एज में मैक्सिमम 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और फिर जो है 35 से लेकर 39 तक आपके पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप डाउन होंगे। ठीक है ना, फिर 40 से लेकर 44 तक आपके ड्रॉप डाउन होंगे। राइट, तो ये आपका जो है वो सिलसिला स्टार्ट होगा। इसके ब्रैकेट्स दिए हैं उन्होंने कि इस तरह से पॉइंट सिस्टम चलेगा। जैसे जैसे देखें 5 पॉइंट आपके गिरते हैं, जैसे आप 33 से लेकर 34 के दरमियान हुए तो आपके 5 पॉइंट गिर जाएंगे। राइट, अब आपके 35 से लेकर 44 तक 10 पॉइंट गिर जाएंगे, और जैसे ही आप 40 से लेकर 44 के अंदर आए तो आपके जो है वो 15 पॉइंट्स रह जाएंगे। ओके, तो 15 पॉइंट्स आप लूज कर जाएंगे आउट ऑफ 30। ओके, तो 15 पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेशंस करते हुए अगर आप 60 पॉइंट्स बना सकते हैं तो आप जो है एलिजिबल होंगे। एजुकेशन के अंदर भी नटशेल में आपको बता देता हूँ, एजुकेशन अगर आपके पास डिप्लोमा है आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बैचलर्स है आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, इवन आप मास्टर हैं तब भी आपको 15 पॉइंट्स ही मिलेंगे। ओके, पीएचडी होंगे तो फिर आपके पॉइंट्स आपके ज्यादा, आपको 20 पॉइंट्स। बैचलर्स और मास्टर सेम ही होगा, सेम ही यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली आप एज ए ऑफशोर काम कर रहे हैं तो आप स्टार्ट हो जाते हैं, आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपके पास 8 साल और उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। इसके अलावा नहीं, अगर आप 10 या 15 साल भी एक्सपीरियंस लाएंगे मैक्सिमम पॉइंट्स 15 है, 8 साल के बाद वो मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमें लैंग्वेज की जरूरत है, लैंग्वेज सिस्टम मैंडेटरी का आपके रिक्वायरमेंट है, आइल्स रिक्वायरमेंट है, 6 इन ईच होना चाहिए मिनिमम, इसके ऊपर आपको 0 पॉइंट्स, बट आपका जो प्री रिक्विजिट है वो यही है। ठीक है, हाँ, एलिजिबल होने के लिए 6 है, 0 की कैलकुलेशंस के ऊपर देखेंगे कि मेरे 65 पॉइंट्स बन सकते हैं। वो हर प्रोफाइल से वेरी करता है। अगर आई 7 इन ईच करते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर आप 8 इन ईच करेंगे तो फिर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, व्हिच इज अ डिफिकल्ट टास्क ऑब्वियसली, बट स्टिल आपके पास एक रूम मौजूद है। यहाँ पर एक बात ऐड आपको करते चलो कि बड़ी खुशाइन बात यह है और काफी सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता सिर्फ उनकी आगाही के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक से ज्यादा लैंग्वेज असेसमेंट एक्सेप्ट करता है। ओके, जिसमें मशहूर जो है इस वक्त जिसको कहते हैं कि अवेयरनेस इस लोगों को है पीटीई के हवाले से, ओके, सीएई के हवाले से, पीटीई है पीयर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, बिल्कुल, और उसमें पॉइंट्स ग्रेडिंग डिफरेंट है। राइट, वहां पर आपको आईएलटीएस 7 को करने के लिए 66 पॉइंट्स की दरकार होगा। ओके, ठीक है, और इसी तरीके से उसके अब 79 एंड अबव आपका जो है वो 8 बैंड बन जाता है, बट कंपैरेटिवली पीटी में स्कोर करना आसान है। इसलिए अगर कोई शख्स जो है वो करना चाहता है अप्लाई और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहता है, उसका फोकस कनाडा नहीं है, तो फिर वो पीटी को दे सकता है और उसके अंदर स्कोरिंग करना ज्यादा आसान होती है, क्योंकि अक्सर एक फेयर फैक्टर होता है आईएलटीएस के हवाले से, थोड़ा कंपैरेटिविटी इजी मिल जाएगा तो लोगों के लिए आसान होगा। और इसके साथ सीएई भी एक कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश है, उसमें भी लोग अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा टोफिल भी आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज असेसमेंट में आपके पास एक वैरायटी आपको मिल जाती है, अनलाइक कनाडा, क्योंकि कनाडा में सिर्फ आपको आईएलटीएस देना है और या फिर आप यूएई वगैरह में किसी और कंट्री पाकिस्तान में नहीं, साल पे आप दे सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, आपके पास फिर आपके जो स्पाउस अगर हैं
तो उनकी भी अगर लैंग्वेज असेसमेंट की जाए और वो भी जो है वो पॉइंट्स ले सके आयर्स बैंड के हवाले से, ज़्यादा नहीं है फॉर एग्जांपल वो 5 बैंड या 6 बैंड भी ले लेते हैं तब भी पॉइंट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है, उनकी भी स्किल असेसमेंट के ऊपर भी आपको पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। साथ में हमने कहा कि अगर आपने स्टडी की है ऑस्ट्रेलिया में तब आपको एडिशनल पॉइंट्स हैं कि आपको जो है वो मिल सकेंगे, ठीक है, या फिर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आपके स्पाउस नहीं तो आपको अकॉर्डिंगली पॉइंट्स 10 जो है वो वहाँ से भी मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करने के ऊपर आप देखते हैं बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ भी होती हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे कंसर्नस होते हैं अगर पॉइंट्स नहीं बोल रहे खींच काज के, वो कहते हैं कम्युनिटी लैंग्वेज का फैक्टर है उसमें उर्दू पंजाबी वगैरह भी शामिल है तो हम वहाँ से 5 मिनट रहेंगे, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि उसके लिए आपको इंटरप्रेटर लेवल का जो है बंदा होना चाहिए, नाटी उसकी बॉडी है और वो सारा प्रॉपरली टेस्ट करके आपको जो है वो लेगी, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मैंने आपको कहा तो वो आपके लिए मुमकिन नहीं, तो उसमें आपको पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है अनटिल लेस कि आपकी डिग्री ही या तो उर्दू में हो और फिर आप जो है वो टेस्ट जो इंटरप्रेटर के हैं और जो ट्रांसलेटर के उन टेस्ट को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, लॉजिकली प्रूफ करना जरूरी होता है। तो ये बड़ा अच्छा बखूबी आपने पॉइंट्स के हवाले से बता दिया, एलिजिबिलिटी पॉइंट्स के हवाले से। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.superiorimmigration.com एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट।